और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने बड़ा दावा किया कि ईरान ने इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को तलाशने के लिए उससे मदद मांगी थी। अमेरिका ये मदद करने के लिए राजी भी था, लेकिन किसी तकनीकी वजह से वो मदद नहीं कर पाया। ये बात अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैट मिलर ने यहां पर बताई है। और अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा दावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की ऑफिशियल जांच अब शुरू हो गई है। और इस बीच दुनिया भर में एक थ्योरी चल रही है कि रईसी की मौत में इजराइल का हाथ है। हालांकि इजराइल के एक बड़े अधिकारी ने इसे साफ करने से इनकार किया है। बावजूद इसके ईरान और इजराइल के बीच तनाव को देखते हुए कई एक्सपर्ट्स अब भी मान रहे हैं कि हो सकता है कि रईसी की मौत की वजह इजराइल हो। तारीख 19 मई, समय शाम 7 बजे, जगह वज़ीरिस्तान, ईरान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश। ये वही जगह है जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का गढ़ मानी जाती है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोसाद ने ईरान के राष्ट्रपति रईसी को मरवा डाला। इजराइल ईरान के बीच के तनाव को देखते हुए यह शंका बहुत सहज है और इसकी डिटेल में पड़ताल बहुत जरूरी है। लेकिन पहले ईरान की सड़कों पर रईसी को अलविदा कहने उतरी भीड़ को देखिए। उदास चेहरे और आंखों में आंसू देखिए। हजारों लोग रईसी को श्रद्धांजलि देने उनका पार्थिव शरीर ले जाते ट्रक के पीछे पीछे जाते देखे। रईसी ईरान के सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं थे, बल्कि हाल के समय में ईरान को एक मजबूत देश के तौर पर दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने वाले नेता भी थे। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल ने रईसी को मरवा दिया। ईरान उन देशों में शामिल है जिसने इजराइल के अस्तित्व को हर दम चुनौती दी है। मुस्लिम देशों में ईरान नंबर वन है, जो इजराइल के लिए परेशानी का कारण रहा है। लिहाजा रईसी की मौत की सुई स्वाभाविक रूप से इजराइल की ओर मुड़ती है। यहाँ हम शक के उन 6 कारणों को समझने की कोशिश करते हैं जिसके तहत कहा जा रहा है कि रईसी की मौत में इजराइल का हाथ है। शक की वजह नंबर 1, इजराइल ईरान का दुश्मनी वाला रिश्ता। दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को स्पेस लेजर तकनीक के सहारे जमींदोज कर दिया गया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। दूसरी ओर कारण यह भी गिनाया जा रहा है कि पिछले 7 अक्टूबर को हमास की ओर से इजराइल पर किए गए हमले में भी ईरान का हाथ होने की बात कही गई थी और इसी का इजराइल ने बदला लिया है। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि इजराइल के एक बड़े अधिकारी ने इसका खंडन किया है। शक की वजह नंबर 2, इजराइल विरोधियों को ईरान का समर्थन। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह हो या यमन के हूथी विद्रोही या फिर हमास, ईरान इजराइल के खिलाफ इन सारे संगठनों को समर्थन देता रहा है। ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है, इसीलिए रईसी को इजराइल ने मरवाया होगा, लेकिन ये महज कयास है। शक की वजह नंबर 3, अजरबैजान के करीब हादसा। हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सवाल इसलिए भी गहरा है क्योंकि हादसे वाली जगह अजरबैजान के करीब है और इत्तेफाक से अजरबैजान के इजराइल के अच्छे रिश्ते हैं। सच पूछिए तो मुस्लिम देशों में सिर्फ अजरबैजान है जिसके रिश्ते इजराइल से अच्छे रहे हैं। अजरबैजान की आर्मेनिया से दुश्मनी है और ईरान आर्मेनिया का समर्थन करता रहा है। शक की वजह नंबर 4, इजराइल का टारगेट ईरान।
एक्सपर्ट का मानना है कि इसराइल ईरान में मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट पर लेने की कोशिश करता रहा है। इसका कारण ईरान का इसराइल के प्रति रवैया है, जो इसराइल के बारे में कहता है कि अरबों की जमीन पर यहूदी देश होने का क्या मतलब है। लेकिन देखने वाली बात है कि रईसी की मौत की साजिश में हाथ होने का मतलब इसराइल का सीधे ईरान के खिलाफ ऐलाने जंग करना होगा, और इसराइल ऐसा नहीं चाहेगा। शक की वजह नंबर 5, 3 में से सिर्फ एक रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश। सवाल उठ रहे हैं, जब मौसम खराब था तो रईसी के काफिले में शामिल 3 हेलीकॉप्टरों में से 2 कैसे बच गए और सिर्फ रईसी वाला हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि मौसम उड़ान के अनुकूल नहीं था, तो रईसी को 150 किलोमीटर तक सड़क मार्ग से क्यों नहीं ले जाया गया। जाहिर है इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिल सकेगा। शक की वजह नंबर 6, इसराइल की अप्रैल वाली एयर स्ट्राइक। अप्रैल महीने में सीरिया की राजधानी दमिश्क में इसराइल की ओर से किए गए एक हवाई हमले में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा समेत एक अफसर की मौत हो गई थी। ईरान का गुस्सा इसके बाद चरम पर था, जिसका जवाब ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दाग कर दिया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसराइल ने अब तक इसका डायरेक्ट जवाब नहीं दिया है। इसीलिए शंका जताई जा रही है कि अपने सबसे बड़े और कट्टर दुश्मन के अंत के लिए इसराइल ने खुफिया एजेंसी मोसाद का इस्तेमाल किया और रईसी का काम तमाम कर दिया। लेकिन ये सारे शक सिर्फ शक ही हैं। जब तक क्रैश होने की असली वजह का पता नहीं चल जाता, इसराइल के हाथ नहीं होने के कारण भी गिनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं कहा जा सकता। इन सबके बीच रईसी के लिए ईरान में लोग ही लोग उमड़े हैं। और इस वक्त इसराइल की एक गलती, बस एक गलती उस पर बहुत भारी पड़ सकती है, लेकिन नेतन्याहू ने ठान लिया कि वो बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। यही वजह है कि लेबनान बॉर्डर पर इसराइल अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने का फैसला कर चुका है और उसके रॉकेट कमांडर को भी मौत के घाट उतार दिया। इस मई को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। अगले ही दिन इसराइल दावा करता है कि उसने हिजबुल्ला के रॉकेट कमांडर को मार डाला है। इसराइल की सेना ने दावा किया है कि हिजबुल्ला के रॉकेट कमांडर कासिम सकलाबी को ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया है। हिजबुल्ला के रॉकेट कमांडर कासिम सकलाबी ने बॉर्डर पर इसराइल के खिलाफ कई मिसाइल अटैक करवाए हैं। हिजबुल्ला के इस कमांडर ने कैसे इसराइल की नाक में दम किया हुआ था, आप ऐसे एंटी टैंक मिसाइल वाले हमलों को देखकर समझ सकते हैं। ना सिर्फ ऐसे हमलों से हिजबुल्ला ने इसराइल की बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाया, बल्कि बॉर्डर पर तैनात किए गए कई कम्युनिकेशन सिस्टम भी धमाकों से उड़ा डाले। इसराइल ने भी लगातार एयर स्ट्राइक और ड्रोन हमलों से जवाब दिया है। इसराइल का दावा है कि 7 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्ला के साथ जो लड़ाई शुरू हुई है, इसमें हिजबुल्ला के 300 से ज्यादा लड़ाके इसराइल के अटैक में मारे जा चुके हैं। इनमें 30 बड़े कमांडर शामिल हैं। रॉकेट कमांडर कासिम सकलाबी का नाम भी इस फेहरिस्त में शामिल है। वहीं इसराइल के 20 सैनिक हिजबुल्ला के हमले में जान गंवा चुके हैं। ये बात खुद इसराइल भी मानता है। अब सवाल है कि हिजबुल्ला को कंट्रोल करने वाला ईरान जब अपने राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत का गम मना रहा है, तब इसराइल का अगला बड़ा हमला कहां हो सकता है? क्या अगला नंबर हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला का है? क्या इसराइल के टारगेट पर इस्माइल हानिया भी आ चुका है?
क्या इसराइल ने अब एक के बाद एक अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया है? करीब 8 महीने से पूरा पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की चौखट पर बैठा हुआ है। अगर गाजा पट्टी इसराइल की बमबारी में खंडहर बनता जा रहा है, तो उत्तर में इसराइल और लेबनान के बॉर्डर पर मौतों का खेल चल रहा है। अब सबका फोकस हिज़्बुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह पर है। हसन नसरल्लाह का हेडक्वार्टर लेबनान की राजधानी बेरूत में है। बेरूत में दाहिया नाम का इलाका है, जो हिज़्बुल्लाह का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। बताया जाता है कि यहीं पर करीब 150 फीट गहरा बंकर है और यहीं 2006 से हिज़्बुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का घर है। हसन नसरल्लाह को 2016 के बाद से खुले आसमान के नीचे नहीं देखा गया है, यानी पिछले 8 साल से नसरल्लाह बंकर में ही है। बंकर की सही गहराई और लोकेशन के बारे में सही जानकारी इसराइल को भी नहीं मालूम। आखिरी बार 2016 में हसन नसरल्लाह को पब्लिक के बीच देखा गया था। हसन नसरल्लाह का पब्लिक के बीच आना अचानक होता है। इसके बारे में उसके सुरक्षा कर्मियों को भी आखिरी पलों में बताया जाता है। हसन नसरल्लाह के साथ बंकर में 19 सुरक्षा कर्मी हमेशा मौजूद रहते हैं। हसन नसरल्लाह के बंकर का दरवाजा कहां खुलता है, किन गलियों से बंकर तक रास्ता है, इसके बारे में हिज़्बुल्लाह के चुनिंदा लोगों को ही जानकारी है। और वो हिज़्बुल्लाह के सबसे खास लोग माने जाते हैं। ऊपर इसराइल के ड्रोन और विमान जरूर मंडराते हैं, लेकिन जमीन के नीचे बैठे नसरल्लाह के बारे में उनको भनक तक नहीं लगती। यही वजह है कि हसन नसरल्लाह पिछले 8 सालों से अपने बंकर में ही है। देखा जाए तो हिज़्बुल्लाह वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है, और ईरान हिज़्बुल्लाह को इसराइल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। लेकिन इसराइल ने अगर हिज़्बुल्लाह का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया, तो लेबनान में वर्ष 2006 वाले युद्ध की तबाही दोहराई जा सकती है।